नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रणव क्लासेज में। संख्या पद्धति और विभाज्यता इस टॉपिक को खत्म करने के बाद इस टॉपिक से जुड़े हुए सवाल के साथ आज फिर मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने और उम्मीद है कि हमारा ये सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन आपको पसंद आएगा। ये सारे क्वेश्चन जो हमने सेलेक्ट किए हैं ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और डिफरेंट टाइप के हैं। मैं हमेशा कोशिश ये करूंगा कि जो अलग तरीके के क्वेश्चन हैं या जो थोड़े टिपिकल क्वेश्चन हैं, आसान क्वेश्चन तो किसी भी परीक्षा में बहुत सारे लोग सभी लोग लगभग कर लेते हैं, लेकिन जो थोड़े टिपिकल क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व करने में समस्याएं आती हैं, तो हम उस तरह के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के सवाल को। हमारा सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त होगी। 18 से विभाज्यता की ऐसी कोई शर्त आपने नहीं पढ़ी है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन वाली शर्त आपने पढ़ी है। अगर कोई भी संख्या के दो सहभाज्य प्राइम फैक्टर हैं, दो सह अभाज्य गुणनखंड हैं, तो उनसे हम इन्हें डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो डिवाइड हो जाते हैं तो 18 से भी विभाजित हो जाएंगे, क्योंकि गुणा वाला जो रूल हमने पढ़ा था कि अगर एक्स और वाई से कोई संख्या विभाजित हो रही है तो वो संख्या एक्स वाई से भी विभाजित होगी, यानी उनके गुणनफल से भी विभाजित होगी। तो 18 के को प्राइम फैक्टर्स 2 और 9, क्योंकि इनका 2 और 9 का मतलब 1 होगा। तो हम यहां देखेंगे कि इनमें से कौन सी संख्याएं हैं जो 2 से भी विभाजित होंगी, 9 से भी विभाजित होंगी। 2 से, चूंकि इन सबका फर्स्ट डिजिट 6 इन तीनों में, तो ये संख्याएं तो 2 से विभाजित होंगी, इसमें ये 2 से विभाजित नहीं हो रही है। अब 9 से विभाजिता, इनमें से हमें चेक करना है कि 9 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। 9 से विभाजिता की क्या शक्ति, जिस संख्या के सभी अंकों का जोड़ 9 से विभाजित हो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। चेक करके देखते हैं, 3 4 5, 3 4 7 और 5 12 और 6 18, ये 9 से विभाजित होगी। 5 4 9, 3 12 और 6 18, ये 9 से विभाजित होगी। 6 3 9 4, 13 और 5 18, ये भी 9 से विभाजित होगी। 6 5 0 4 3, यानी 6 5 11 और 4 15 3 18, 9 से विभाजित होने वाली 18, चूंकि सब में आ रहा है तो ये सारी की सारी संख्याएं 9 से विभाजित होंगी, लेकिन इन तीन संख्याओं का फर्स्ट डिजिट 6 है, सम संख्या है, तो ये तीन संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। यहां हमारे सवाल में है कि कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होगी, तो ये तीनों फर्स्ट थर्ड और सेकंड, ये तीनों हैं जो 2 से और 9 से विभाजिता की कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन 65 43 चौथा ऑप्शन जो हमारा है ये 9 से विभाज्यता की शर्त को पूरा कर रहा है, लेकिन 2 से विभाज्यता की शर्त को पूरा नहीं कर रहा है। चूंकि ये 2 से विभाज्यता की शर्त को पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए ये 18 से विभाजित नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन 4 ये सही ऑप्शन होगा। अगले सवाल पे आते हैं। यदि 157 स्टार 234 पूर्णतया 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। ये संख्या दी हुई है 157 स्टार 234 और ये 3 से पूर्णतया विभक्त है, तो स्टार के स्थान पे कौन सा आएगा। आपको पहले भी बताया मैंने कि 3 से और 9 से विभाज्यता की शर्त यह है कि किसी भी संख्या के सभी अंकों का जोड़, अगर 3 से विभाज्यता निकालना है तो 3 से विभाजित होने वाला हो, 9 से विभाज्यता निकालना है तो 9 से विभाजित होने वाला हो। तो यहां 3 से विभाज्यता है तो इन सारी संख्याओं को हम जोड़ेंगे, 1 और 5, 6 और 6 और 7, 13 13 और 2 15 3 18 और 4 22। 3 से विभाजिता के लिए 22 से ऊपर की कौन सी संख्या होगी जो स्टार की जगह पे आएगी, ताकि हम जोड़ करके उसे 3 से विभाजित कर सकें। तो 22 से ऊपर 24, 22 के ऊपर 24 संख्या है जो 3 से विभाजित होगी। यहां हमारा सम आया है 22, तो 24 में से 22 घटाने पर क्या बचा, 2, यानी अगर स्टार की जगह पे 2 संख्या हम रख दें तो यह हमारी पूरी संख्या स्टार वाली पूरी तरह 3 से विभाजित होगी, यानी हमारा ऑप्शन तीसरा ये सही आंसर है। अगले सवाल पे आते हैं। किसी दो अंकीय संख्या को दो बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है, जैसे 26 26 37 37 आदि, इस रूप की कोई संख्या निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। ये सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है। देखिए, कोई भी संख्या है एक्स वाई के फॉर्म में लिखी हुई है, ये एक्स वाई इंटू एक्स वाई, अब ये किससे पूर्णतः विभक्त होगी। जब नंबर सिस्टम आपने पढ़ा है और थोड़ा बहुत अलजेब्रा का ज्ञान आपको होगा, जिसमें दो अंकीय या 3 अंकीय संख्याओं को हम कैसे लिखते हैं,
उसके आधार पर चलते हैं, ये इकाई के स्थान पे है, ये दहाई के स्थान पे है, ये सैकड़े के स्थान पे है, ये हजार के स्थान पे है। तो इसको हम अब अल्जेब्रिक फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, 1000x प्लस 100y प्लस 10x प्लस y, इसको जोड़ दीजिए क्या आएगा, या इन दोनों में से ले लीजिए, 100 कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से 100 कॉमन लेंगे तो ये आएगा 10x प्लस y प्लस यहां भी है 10x प्लस y, इन दोनों में से 10x प्लस y ले लीजिए कॉमन, 10x प्लस y, ये जब हम कॉमन लेंगे तो यहां हमारे पास बचेगा 100 प्लस 1 यानी 10x प्लस y इंटू 101। यहां 101 इस पूरे संख्या में मल्टीप्लीकेशन के रूप में है, यानी 101 एक ऐसा फैक्टर होगा जिससे ये पूरी संख्या इस तरह की जितनी भी संख्याएं लिखी जाएंगी संख्या को रिपीट करके उससे डिवाइड होंगी, तो हमारा ऑप्शन 4 101 ये सही आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं, 41116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो। 8 से विभाजिता की शर्त शायद आपको याद हो, 8 से विभाजित होने की शर्त क्या थी, किसी भी संख्या के सैकड़ा दहाई और इकाई स्थान से बनी हुई संख्या अगर 8 से विभाजित हो रही है तो वो संख्या 8 से विभाजित है। तो अब हम देखते हैं कि 116 ये 8 से विभाजित हो रही है कि नहीं, और अगर नहीं हो रही है तो इसमें क्या जोड़ेंगे तो ये विभाजित हो जाएगी, यानी 116 को हम 8 से भाग देंगे, 116 को 8 से भाग देंगे तो 8, 3, 6, 8, 4, 32 चार हमारे पास शेष बच रहा है। तो अगर इसमें 4 और होता तो शायद ये संख्या एक ज्यादा बार लग जाती, क्योंकि अगर घटाना होता तो हम इस 4 को घटा देते तब ये 8 से विभाजित हो जाता, जोड़ना है तो हमें इस संख्या को शेष को 8 पूरा करना है, तो 4 में क्या जोड़ेंगे तो ये 8 आ जाएगा, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, तो ये संख्या पूरी तरह से 8 से विभाजित हो जाएगी, यानी हमारा ऑप्शन 4 ये तीसरा ऑप्शन सही है। अगला सवाल, 7 का पावर 105 में इकाई का अंक कितना है, 7 का पावर 105। अब देखिए 7 का पावर 105 में इकाई का अंक कितना होगा ये हमें निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, 7 को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कहां से ये रिपीटिंग शुरू होता है, 7 × 7 × 7 × 7, 7 × 7 = 49, फिर 9 × 7 = 63, फिर 3 × 7 = 21, यानी जब हम इसे 4 बार करेंगे तो इकाई का अंक 1 आएगा, इसके बाद ये रिपीटिंग होगा। तो हम 7 को ऐसे लिख सकते हैं, 7 का पावर 4 × ये 105 में लाना है, 4 में कितने से गुणा करेंगे तो 105 आएगा, या इससे पहले का संख्या आएगा, 4 × 8 = 2, 4 = 24 यानी 26 + 1, यानी 7 का पावर 4 में हम जब भी गुणा करेंगे तो ये लास्ट में 1 आएगा, फर्स्ट डिजिट हमारा 1 होगा, ऐसे ही 26 बार करेंगे तो 1 आएगा, इस प्लस 1 वाले को यहां लिखते हैं 7 का पावर 1, यहां तक सबको गुणा करेंगे तो इकाई का स्थान हमारा 1 आएगा, फिर उस 1 में 7 से गुणा करेंगे तो हमारा ऑप्शन दूसरा ये 7 सही वाला आंसर आएगा, यानी 7 का पावर 105। इसके लिए हमने किया क्या, 7 का वो फैक्टर ढूंढते हैं जहां गुणा करके 1 के बाद रिपीटिंग संख्या हमें मिल रही है, तो वो 4 बार में मिल रही है। अब इसको हम 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो आएगा 26, उसके बाद 1 शेष बच जाएगा, जो 26 आया उसको हमने यहाँ 7 के रूप में लिख दिया, जो शेष बचा उसको यहाँ 7 के पावर के रूप में लिख दिया। अब जितना ये 7 के रूप में है क्योंकि ये रिपीटिंग मल्टीप्लिकेशन वाले इक्वेशन है तो उतनी बार गुणा करके फर्स्ट डिजिट 1 आएगा, अब उस 1 में 7 का पावर 1 यानी 7 से गुणा करेंगे तो हमारा फर्स्ट डिजिट 7 होगा। अगले सवाल पे आते हैं, यदि 4 का पावर a = 5, 5 का पावर b = 6 और 6 का पावर c = 7, 7 का पावर d = 8, तो ABCD का मान निकालना है, तो ये हम निकालेंगे कैसे, दिया हुआ है 4 का पावर a = 5, 5 का पावर b = 6, 6 का पावर c = 7,
7 का पावर d इक्वल टू 8। यहां से देखिए हम क्या करेंगे, 5 इक्वल टू 4 का पावर है, तो इस 5 में हम रख देते हैं वैल्यू, 5 के बदले 4 का पावर है, तो यहां मिलेंगे 4 का पावर a और इसका पावर b, तो यह आ जाएगा 4 का पावर a b इक्वल टू 6। अब यह हो गया 4 का पावर a b इक्वल टू 6, 6 इक्वल टू ये यहां रख देते हैं 6 का वैल्यू, तो यह हो गया 4 का पावर a b का पावर c इक्वल टू 7, यानी 4 का पावर a b c इक्वल टू 7। अब इस 7 का वैल्यू 4 का पावर a b c इसको रख देते हैं यहां, तो ये हो जाएगा 4 का पावर a b c का पावर d इक्वल टू 8, यानी 4 का पावर a b c d इक्वल टू 8। इसको हम थोड़ा फैक्टर कर लेते हैं, 4 को कर देते हैं 2 स्क्वायर, और ये a b c d था इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 का पावर 3। दोनों के आधार सेम है, दोनों के आधार में 2 है, तो दोनों के पावर भी बराबर होंगे, यानी 2 ए बी सी डी इक्वल टू 3, तो ए बी सी डी इक्वल टू 3 अपॉन 2 यानी 1.5। हमारा ऑप्शन दूसरा ये सही आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। 3 का पावर 5 इंटू 3 का पावर माइनस 6 इक्वल टू 3/5 का पावर 2x-1, तो x का वैल्यू। अब देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो आप जानते हैं कि जब दोनों का आधार सेम हो तो दोनों के पावर को जोड़ देते हैं, तो हम इन दोनों के पावर को जोड़ देंगे और इसके पावर से कंपेयर करेंगे और उसके बाद x का वैल्यू निकालेंगे। तो कंपेयर करने के लिए 3/5 का पावर 3 और 3/5 का पावर माइनस 6। अब इसे हम देखते हैं 3 का पावर, पावर को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 का पावर 3 प्लस ये दिया हुआ है माइनस 6 इक्वल टू 3/5 का पावर 2x-1। अब ये पावर जोड़ेंगे तो ये आएगा 3 का पावर 3 और ये माइनस 6, तो ये हो जाएगा 3 का पावर माइनस 3 इक्वल टू 3/5 का पावर 2x-1, यानी 2x-1 का वैल्यू माइनस 3 के बराबर होना चाहिए कंपैरिजन के अनुसार। तो 2x-1 इक्वल टू माइनस 3, इस माइनस 1 को उधर ले जाएंगे तो 2x इक्वल टू माइनस 3 प्लस 1 यानी माइनस 2, तो x इक्वल टू माइनस 2/2, तो ये माइनस 1, यानी x का वैल्यू माइनस 1 आएगा, यानी हमारा ऑप्शन तीसरा ये सही ऑप्शन है। अगले सवाल पे आते हैं। संख्या 50, 27, 89 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। 4 से विभाजिता की शर्त क्या थी, शायद आपको याद हो, 4 से विभाजित होने के लिए किसी भी संख्या के फर्स्ट 2 डिजिट को 4 से विभाजित होना चाहिए। किसी भी संख्या के दहाई और इकाई के अंक अगर 4 से विभाजित हो रहे हैं तो वह संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो यहाँ दहाई और इकाई का अंक 89 है, 4 से हम इसे भाग करके देखेंगे जो शेष बचेगा उसमें कितना जोड़ेंगे ताकि वो 4 से विभाजित हो जाए। तो ये देखिए 4 से विभाजित करके 89 को, 4 से 89 को डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8 घट गया 9, 4 दूना 8 शेष बच गया 1। इसमें हम कितना और जोड़ेंगे तो ये 4 से विभाजित हो जाएगा, 1 में 3 और जोड़ेंगे तो ये 4 होगा, तो 4 से विभाजित हो जाएगा, यानी हम इस संख्या में 3 जोड़ेंगे तो ये पूरी की पूरी संख्या हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन पहला 3 ये सही ऑप्शन है। अगले सवाल पे आते हैं। बाप रे ये तो लंबा सवाल है, चलिए देखते हैं। लंबा देखने में है लेकिन ऐसा कुछ खास लंबा नहीं है। 963 × 963 × 963 प्लस 137 प्लस ये टाइपिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, इसे मैं सुधारना चाहता हूं। ये प्लस नहीं, यहां पे ये सारे इंटू होंगे, ये 963 × 963 × 963 प्लस 137 × 137 × 137 इक्वल टू 963 × 963। यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन गलत लग गया है, ये 963 × 137 प्लस 137 × 137 ये हमारा मान लेते हैं 963 इक्वल टू ए और 137
इक्वल टू बी। यहाँ चूंकि इस समय गुणा का निशान लगना था, टाइपिंग एरर के चलते इसमें प्लस का निशान लग गया है, तो ये वाला टर्म हमारा है a गुना a यानी ए क्यू प्लस ये गुना b यानी बी क्यू बटा ये a गुना a स्क्वायर माइनस ये a गुना b ए बी प्लस बी गुना बी स्क्वायर। अब ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो ये होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इससे ये कट जाएगा, हमारे पास ऑप्शन से बच गया a प्लस बी। ए प्लस बी यानी 963 प्लस 137, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 1100। तो हमारा ऑप्शन तीसरा ये सही आंसर है। अगले सवाल पे आते हैं। चार प्राकृत संख्याएं इस प्रकार हैं कि उन्हें तीन तीन करके जोड़ने पर योग क्रमशः 180, 197, 208 तथा 222 प्राप्त होता है। चार संख्याएं यहाँ पे दी हुई हैं जिनका तीन तीन का जोड़ 180, 197, 208 और 222 प्राप्त होता है। तो इन संख्याओं का माध्य क्या है? हम मान लेते हैं कि चार संख्याएं हमारे पास हैं ए बी सी और डी। इसमें से ए बी सी या ए बी डी का मान दिया हुआ है। मान लेते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इसका मान है 180, बी प्लस सी प्लस डी इसका मान है 197, ए प्लस सी प्लस डी इसका मान है 208। इसके अलावा ए प्लस बी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस डी इनका मान है 222। इन सबको हम जोड़ देते हैं तो यहां 3a प्लस 3b प्लस 3c प्लस 3d इक्वल टू, इन्हें हम जोड़ेंगे तो 7 8 15 और 2 17, 1 9 9 18 और 2 20, 2 2 और 2 4 और 6 1 7 1 8 807। अब इसमें से 3 को हम ले लेते हैं कॉमन, तो ये बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 807। इस 3 को ट्रांसपोज करेंगे उधर तो ये आएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 807 बटे 3। इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 गुना 6, 3 6 18, 3 9 27, 269। अब ये 269 a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू है। आप जानते हैं कि यहाँ माध्य चार संख्याओं का हमें माध्य निकालना है तो चारों संख्याओं का जोड़ बटे 4, तो यहाँ हम 4 से भाग दे देते हैं माध्य के लिए। माध्य बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे 4 इक्वल टू 269 बटा 4। इसको भाग देंगे तो 4 6 24, 2 9 4 7 28, 67.14 यानी हमारा ऑप्शन चौथा ये सही आंसर है। आज के लिए इतना ही और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल प्रणव क्लासेस को देखने के लिए। आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट कि आपको जो टॉपिक कठिन लगते हैं, मुश्किल लगते हैं, उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि हम उस पर वीडियो बनाकर अपलोड कर सकें और आप उसका फायदा उठा सकें। धन्यवाद, नमस्कार।